नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कल का जो हमारा वीडियो था न्यूज़ और एक्सप्लेन्ड का, वो हम आर्टिकल्स बाद में संडे को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। वो कल मैं मुझे कहीं जाना था तो मैं आपको नोटिस भी नहीं दे पाया। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। गार्गी क्लासेस UPSC नाम से है, और या फिर आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, तो वहाँ पे क्या है, हाईलाइटेड PDF भी शेयर कर देता हूँ मैं, ओके। और सब्सक्रिप्शन रिन्यू हुआ था आज, तो मैंने अभी दिल्ली एडिशन ले लिया है, ठीक है ना। राजस्थान एडिशन पहले लेता था मैं, अब दिल्ली एडिशन ले लिया है, यही अब कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि बहुत सारी न्यूज़ जो थी वो दिल्ली एडिशन में कवर होती है और इधर मिस हो जाती थी जयपुर एडिशन में, है ना। तो चलिए देखते हैं आज के इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर के, जिसमें ट्रेड को लेकर के अभी देखो बातचीत चल रही है। मुद्दा है इंडिया बांग्लादेश जल्दी ही नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे, किस पे, मतलब अल्टीमेटली कंक्लूड कर देंगे अपनी बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों इंडिया और बांग्लादेश अपनी ट्रेड रिलेशंस को इनको एक्सपेंड करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि आज देखा जाए ना, तो बांग्लादेश के लिए एशिया में, ठीक है, बांग्लादेश के लिए एशिया में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मार्केट है एक्सपोर्ट के लिए। मतलब बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री को करता है एशिया में तो वो इंडिया है। तो और ट्रेड की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुई है, जो इस चीज़ से पता पड़ती है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना ट्रेड था, लगभग $9.69 बिलियन का, जो कि 2021-22 में बढ़कर के कितना हो गया, $16.15 बिलियन का, कितना इंक्रीमेंट, 66%। बांग्लादेश जो है वो आप देख सकते हो, इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेश किसी को करता है एशिया में तो वो कौन सा कंट्री है, दैट इज़ इंडिया, ओके। दोनों के बीच का ट्रेड जो है वो राइज हुआ ही है, ये तो एक्सपोर्ट का पॉइंट था यहाँ पे, ये जो पहले जो डेटा बताया मैंने। और ट्रेड की बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को इंक्लूड करके, तो दोनों के बीच में 2020-21 में $10.78 बिलियन का ट्रेड था, ओके, जिसमें 44% का इंक्रीमेंट हुआ। अभी 2021-22 में कितना ट्रेड रजिस्टर हुआ, $18.13 बिलियन का, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया बांग्लादेश को क्या एक्सपोर्ट करता है। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं रॉ कॉटन, नॉन रिटेल कॉटन यार्न, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा एक्सपोर्ट है। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है बांग्लादेश से, इसका मतलब बांग्लादेश का एक्सपोर्ट क्या है इंडिया के लिए, दैट इज़ प्योर वेजिटेबल ऑयल, इसके अलावा नॉन नेट मैन सूट एंड टेक्सटाइल स्क्रैप्स, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनमें लेन देन हमारा ज़्यादा होता है। अब देखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इनमें फोकस क्या है, देखो दोनों कंट्रीज़ है ना, कैसे भी करके अपनी रिलेशनशिप को राइज करनी चाहती हैं, और ट्रेड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंडिया इतना अलर्ट हुआ है उसके पीछे है कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी बांग्लादेश में, तो एक रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बांग्लादेश के साथ में रिलेशनशिप बिल्कुल भी वीक नहीं होने देना चाहता, ठीक है। ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। और साथ में 2026 आते आते देखो, बांग्लादेश है ना डेवलपिंग नेशंस की डेफिनेशन फुलफिल कर देगा। जब कभी भी कोई कंट्री अब डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में है, तो उस केस में उनको जो सपोर्ट मिलता है ना लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में होने के नाते, वो नहीं मिलेगा। अब कुल मिलाकर के बांग्लादेश जो है वो अभी बहुत सारे बेनिफिट्स उठाता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अभी किस में कैटेगराइज किया हुआ है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में। अब डेवलपिंग के में आ जाएगा ना, तो ये बेनिफिट जो मिलते हैं दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा, वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसलिए बांग्लादेश जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रेड पैक्ट साइन करना चाहता है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ में, जिससे कि जो इंटरनेशनल एड मिलती है बांग्लादेश को, वो या फेवर मिलता है, बेनिफिट मिलता है ट्रेड में, उस बेनिफिट को ख़त्म होने से पहले पहले ही अपने आप को रोबस्ट बना ले, स्ट्रॉन्ग बना ले। तो ये है मेन टारगेट यहाँ पे। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, अभी तक इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है ट्रेड को और इनको लेकर के। तो 2015 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की विजिट पे गए थे, तब बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो साइन रिन्यू किया गया था 5 साल के लिए। इसके अलावा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा की बात करें, तो बांग्लादेश है ना वो
बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, उसके अंडर में बांग्लादेश को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। इसका मतलब प्रेफरेंशियल टैरिफ मिलता है, बांग्लादेश भी देता है और इंडिया के, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसको भी मिलता है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है? देखो, जब ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है या दो ट्रेड ब्लॉक्स के बीच में ट्रेड होता है, तो वहाँ पर जब वो टैक्स रिड्यूस करके और एक दूसरे को फेवर करते हैं कि हाँ जी आपका माल हमारे यहाँ पर सस्ता बिक जाएगा और हमारा माल आपके यहाँ पर सस्ता बेच दो, तो वो जो फेवर है ना वो प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है। ठीक है, ऐसे में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उनको बांग्लादेश में एक लिस्ट मेंटेन की जाती है 993 आइटम्स की, सेंसिटिव लिस्ट, उससे बाहर डाला हुआ है। इसका मतलब कि वो सेंसिटिव आइटम्स पे तो टैरिफ ज़्यादा लगाता है बांग्लादेश, और इससे बाहर के जो होते हैं उन पे कम। इसका मतलब इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट बांग्लादेश में जाता है उसमें ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाता है बांग्लादेश। सेम चीज़ इंडिया करता है। पर हाँ, बांग्लादेश से अगर टोबैको या फिर अल्कोहल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट आते हैं, अल्कोहल या टोबैको, इनकी बात करें तो इन पे फिर इंडिया टैक्स ज़्यादा लगाता है, बाकी प्रोडक्ट पे नहीं लगाता। ये हो गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लें। फिर आता है एक और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 2011 से एप्लीकेबल है। इसमें ये हो गया, इसके अलावा एक जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स, ये भी एक एग्रीमेंट साइन है जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बांग्लादेश की विजिट पे गए थे 2017 में। तो ये नाम ही ज़रूर याद रख लेना है ना, ये नाम सीधे सीधे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स इंडिया बांग्लादेश के बीच में हैं। मेंस में भी काम आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर बात करें ट्रेड और ट्रांजिट, दैट मीन्स ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए, देखो इंडिया बांग्लादेश के बीच में प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, PIWTT, ये एग्रीमेंट है जो कि 1972 से है। ठीक है, इसको रिन्यू किया गया था 2015 में। ओके, इससे क्या है, बांग्लादेश के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट से भी हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाते हैं और ट्रेड भी आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो ये भी आप एग्रीमेंट जरूर याद रखें। इसमें लगभग अभी तक 8 रूट्स को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में, या फिर इंडिया मेनलैंड इंडिया का कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट इंडिया थ्रू बांग्लादेश, ये इंश्योर होता है जिससे कि हम आसानी से कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकें, सस्ते में हमारा माल पहुंचा सकें नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आ जाओ फिर डायरेक्ट सी मूवमेंट की बात करें तो इसमें जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनके लिए भी MOU साइन होया हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कोस्टल शिपिंग, देखो यहाँ पर नाम है इसका MOU ऑन कोस्टल शिपिंग, जून 2015 में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो टाइम पहले 30 से 40 दिन का लगता था इंडिया और बांग्लादेश में ट्रेड के लिए, अब वो 7 से 10 दिन में होने लग गया। ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा 2015 में बांग्लादेश के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, चिटगोंग और मोंगला पोर्ट्स, उनकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की गई है इंडिया के लिए। अब यहाँ से इन दोनों पोर्ट से इंडिया के गुड्स जो है वो बांग्लादेश में भी एंटर हो सकते हैं और इनके थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमारा माल पहुँचता है मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ओके, इसके अलावा MOU हुआ बॉर्डर हार्ट्स के लिए। इसमें देखो इस तरीके की दुकानें खोली जाती हैं जहाँ पर, देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर भी बॉर्डर्स बनी हुई होती है ना, बॉर्डर्स बनती हैं, तो वहाँ पर दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक रहते हैं। बस केवल ये तो क्या पॉलिटिकल लाइंस खींच दी जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, बाकी एब्रप्ट ट्रांजिशन थोड़े ना आता है। एक एथनीसिटी के जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके बीच में अगर कोई भी आप लाइन खींच दो तो उन लोगों की कल्चर आपको मोर और लेस सेम सी मिलेगी, तो उनके बीच में भी ट्रेड के लिए ये हार्ट सिस्टम कंटिन्यू है। ठीक है, करंटली अगर देखें तो 4 बॉर्डर हार्ट चल रही हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, 2 मेघालय में चल रही हैं, एक जगह का नाम है कलाइचर, एक का नाम है बालत। इसी तरीके से 2 त्रिपुरा में चल रही हैं जिनमें एक है श्रीनगर में, एक है कलाम सागर में। इस तरीके से 4 हार्ट चल रही हैं। 2 हार्ट जो हैं उन पे अभी जल्दी बातचीत चल रही है, हो जाएगा काम। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे और 4 मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर पे बनने की ओर आसार लग रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 6 बॉर्डर हार्ट्स हैं वो और आ जाएंगी आने वाले टाइम पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चल रहा है, ये एग्जिस्टिंग बॉर्डर हार्ट्स हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आगे बात करें, ये आपके सामने बांग्लादेश का मैप है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। ये यहाँ पर है चिटगोंग पोर्ट, ये आ गया त्रिपुरा, ये आ गया मिजोरम, इधर आ गया मेघालय। ठीक है,
और यहाँ पे ये है असम, तो इनसे आसानी से ट्रेड करना इस एरिया में। ओके, तो एक तो इधर चिकन नेक से यूं ऊपर घूम करके फिर जाना यहाँ पे, और एक इधर से सीधा शॉर्टकट मिल जाए, ठीक है ना। तो ये है मेन पॉइंट। इसके अलावा चिटगांव पोर्ट, और ये यहाँ पे एक आइलैंड है, ये एरिया कॉक्स बाजार बोलते हैं। यहाँ पर ये देखो म्यांमार है, म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या जो उनको सेटल किया हुआ है यहाँ पे कॉक्स बाजार में, ठीक है। और ये है सिलहट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इधर मेघना रिवर, मेघना की बराकर, मेघना रिवर तो ये है ही, मेघना की ट्रिब्यूटरी है बराकर, और बराकर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से एक ट्रिब्यूटरी के वाटर शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई है, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। ये मोंगला है, बारिसाल है, खुलना है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेज है बांग्लादेश में, और ये यहाँ की कैपिटल, ठीक है। ये थोड़ा इधर ये भी देख लेना कि ब्रह्मपुत्र रिवर का बांग्लादेश में नाम है जमुना और गंगा का नाम है पद्मा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है ज़बरदस्त, बर्बादी हो चुकी है, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से। अब पाकिस्तान जो है वो रिच कंट्रीज़ के सामने ये कंडीशन रख रहा है कि भाई आप लोगों ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो भी कार्बन एमिशन किया था उसका खामियाजा हम गरीब देशों को उठाना पड़ रहा है, हमें उठाना पड़ रहा है, तो उसका हमें भुगतान करो जो भी नुकसान हुआ है उसका, ठीक है। बोले क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है और उसकी वजह से बोले हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस का मुद्दा बन गया कि कौन कितना कल्प्रिट है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आज अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जिनमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हो गए, इंडिया भी आ जाता है, वैसे कंसिडर नहीं करता है इंडिया को वो लोग, पर फिर भी इंडिया भी डिमांड करता है इस चीज़ की, या फिर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो कि सी लेवल राइज होने की वजह से डूब सकते हैं, वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हमें पे करो। इसको क्या बोला जा रहा है, पॉल्यूटर पेज, दैट मीन्स जो बिगाड़ेगा वो ही नुकसान का हर्जाना भुगतेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल डैमेज के हिसाब से ये डिमांड की जा रही है। और इसमें मेन क्या है कि 1850 की अगर बात करें, मिड 19th सेंचुरी, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पीक पकड़ लिया था, इंडस्ट्रियल एज की अगर बात करें, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूके, अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो जितना आज तक एमिशन हुआ है उसका 50% एमिशन तो इन कंट्रीज ने मिलकर ही किया है। इनमें रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया को और ऐड कर दो तो जितना अभी तक कार्बन एमिशन हुआ उसका 65% एमिशन इनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए बर्डन भी इन्हीं पे आना चाहिए। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड ना एटमॉस्फेयर में कई सौ सालों तक रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल, इस वजह से उस टाइम पर एमिट किया हुआ जो कार्बन है वो अभी तक भी एनवायरमेंट में है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इंडिया आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है अगर कंट्री वाइज देखा जाए, पर हिस्टोरिकली हमने 3% से भी कम एमिशन किया है। चाइना जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है पिछले 15 सालों में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 11% है, और पॉपुलेशन भी आप देखो पर कैपिटा एमिशन तो बहुत कम जाएगा दोनों कंट्रीज का, चाइना और इंडिया का। पर इम्पैक्ट की बात करें तो देखो नुकसान तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सभी को होता है, पर जितना नुकसान गरीब देशों को या गरीब लोगों को होता है उतना शायद किसी को नहीं होता, है ना, इसलिए डिमांड की जा रही है। अब बात आती है एडमिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बात करें कि ये रिच कंट्रीज ने क्या कोई जिम्मेदारी निभाई है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1994 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया था कि भाई सबकी अपनी अपनी डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या कि भाई कितना किसने एमिट किया है उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा उनको जिनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस एमिशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चली गई किस पे, रिच कंट्रीज पे, कि इन कंट्रीज ने बहुत पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को डैमेज किया है। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या आउटकम निकला, $100 बिलियन की असिस्टेंस देने की बात की थी रिच कंट्रीज ने कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट दे देंगे हर साल $100 बिलियन।
अब सवाल है क्या दिया, बातें बहुत हुई पर अभी तक बहुत कम या फिर कुछ भी हेल्प नहीं की है। ठीक है, क्लाइमेट डिजास्टर लगातार हो रही है, पर वही बात है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की जो बात है उसमें जो मेंशन किया था जो बातें उनके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, जिसके बेसिस पे ये देखा गया था कि हाँ जी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी, तो वो फंडिंग के लिए $100 बिलियन की जो बातचीत हुई थी ना उस पर मतलब आगे फर्दर जो भी डिस्कशन जो भी मीटिंग हुई थी UNFCCC की, उसके अंडर में ये बातचीत हुई थी कि $100 बिलियन का असिस्टेंस दिया जाएगा। उसमें ना तो लॉस को मेंशन किया था ना डैमेजेस को मेंशन किया था। अब यहाँ पर ये ट्रिक अपना रहे हैं रिच कंट्रीज, कैसे कि भाई लॉसेज एंड डैमेजेस को जब इंक्लूड ही नहीं किया तो पाकिस्तान किस बेसिस पे हमसे पैसा मांग सकता है। पर सच बात तो ये है कि $100 बिलियन को आप असिस्टेंस देने वाले थे वो दी क्यों नहीं फिर? ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ट्रांसमिशन की बात की गई थी, सप्लाई की बात की थी, वो क्यों नहीं की फिर आपने इस तरीके से? फिर बाद में अब देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज वो मिलकर के अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं। ठीक है, दबाव के, और वो दबाव अभी का नहीं है, पिछले 20-30 सालों से बन रहा है पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है वैसे। अब ऐसे में एक मैकेनिज्म साइन होता है, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जिसमें लॉस एंड डैमेजेस पे फोकस किया गया था, 2013 में सेटअप हुआ, पर देखा जाए अभी तक इसके अंडर में कोई भी कॉम्पनसेशन प्रॉपर मैनर में डिलीवर नहीं किया गया है। ये पहली बार एक्नॉलेज किया गया था कि क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से कोई लॉस होता है, जान माल की हानि होती है तो उसको फुलफिल किया जाएगा, पर सच बात यह है कि अभी तक फंडिंग मैकेनिज्म काम में ही नहीं आ रहा है। इवन COP26 जो पिछले साल ग्लासगो में हुई थी उसमें भी बातचीत तो बहुत हो गई, डिस्कशंस तो बहुत सारे चल रहे हैं पर कंक्लूजन कुछ है नहीं। फिर आप बात कर लो आगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, अगर इसकी बात करें तो इसके हिसाब से जब कभी भी ये क्लाइमेट डिजास्टर आती है तो उसकी वजह से लगभग $15.5 बिलियन का नुकसान होता है। तो बोलो $100 तो बहुत कम है, अगर एवरेज निकाल करके ऐड किया जाए कि हर साल कितना नुकसान होता है साइक्लोन्स की वजह से, इनकी वजह से, तो वो 290 से 580 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक। तो बोलो $100 बिलियन असिस्टेंस भी बहुत कम पड़ जाएगी, पर सच बात है कि 100 में से एक बिलियन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए किया क्या जाए, भाई सीधी सी बात है कि जो भी लॉसेस होते हैं ना उनके पीछे देखो क्लाइमेट चेंज तो है नो डाउट, पर कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिस गवर्नेंस भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है। कैसे, जैसे हम रिसेंटली बेंगलुरु में बाढ़ की बात करें तो ये पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से थी। अब ज़्यादा रेनफॉल अगर आता है तो उसके लिए पानी निकलने का रास्ता तो होना ही चाहिए ना, जब पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी सिटी में डेफिनेटली। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर है कि क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है नो डाउट, पर क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए हमारे पास में हमारी अर्बन प्लानिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि पुअर अर्बन प्लानिंग के चलते अर्बन फ्लड्स आती हैं, सीवर लाइन अच्छे से नहीं बनी हुई है, स्लोप अच्छे से नहीं है, रिवर प्लेन एरियाज में, रिवर बेड्स में आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहाँ पर मकान बना करके मकान बेच दिए तो लोग मरेंगे। अब कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जिस कॉम्पनसेशन की बात की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, क्या उसको एक्यूरेटली क्वांटिफाई किया जा सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो COP27 इसकी मीटिंग होने वाली है इजिप्ट की सिटी शर्म शेख में, अब देखते हैं आगे क्या आउटकम होता है। अभी तक तो कुछ निकला नहीं, बस केवल बातें हो रही हैं और कोई लेने देना है नहीं। पाकिस्तान का बाढ़ का मुद्दा ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब पॉइंट क्या है कि हेरिटेज साइट, ठीक है, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमारे पास में हेरिटेज है, जहाँ से हमारी प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, वो साइट्स भी अंडर थ्रेट हैं। ठीक है, 1960 में हाइड्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट एल राइकेस और आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने अपनी तरफ से एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया था कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गई थी। उसके पीछे कारण है कि 1800 BC के टाइम पर ये वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वाला एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, फ्लड्स की वजह से बोलो एकदम से वो सिटीज़ बिल्कुल बैरन हो गई थी, लोग खाली करके चले गए थे उन सिटीज़ को। बोलो ऐसा ही कुछ अभी रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस रिवर के राइट बैंक, मतलब इंडस रिवर जो नॉर्थ से आ रही है इसके राइट बैंक, इस तरफ वेस्ट की तरफ,
बलूचिस्तान वाले एरिया में, सिंध वाले एरिया में लोकेटेड है, राइट। सिंध जो कि राजस्थान से लगने वाला स्टेट है पाकिस्तान का, वहाँ की, ठीक है। तो पहली बार 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंडिविजुअल जिनका नाम था आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पर तो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। कराची से लगभग 510 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये साइट का पता पड़ा था, ठीक है ना। तो और 1980 में फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी मोहनजोदाड़ो को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो की बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा लोकेशंस आप देखो, पेरिस्ट्रेयर्स, ठीक है, स्तूप, डीके एरिया, ये एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड ये एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर फ्लड की वजह से पूरा डैमेज हो रहा है ये। फिर बात आती है मोहनजोदाड़ो के बारे में, थोड़ा हम पढ़ें तो देखो बेसिक्स पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लड आ गई, इवैक्यूएट कर दिया, बाढ़ में पानी से भर गया, वो चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइट। देखो मोहनजोदाड़ो जो है वो ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन के अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सिविलाइजेशन कब रही थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, 3300 BC से 1300 BC, लगभग 2000 साल तक का टाइम रहा। इसका मैच्योर फेज मतलब पीक लेवल पे कब थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, 2600 BC से लेकर के 1900 BC के टाइम के बीच में, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि सिविलाइजेशन फिर बाद में जो 2000s का मिडिल टाइम था वही 1300 BC के लगभग, 1900 BC से 1300 BC के लगभग डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ये एज जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये मैच्योर एज है और फिर ये डिक्लाइन का टाइम आ जाता है 1900 BC से 1300 BC तक, ठीक है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ पर, बलूचिस्तान वाले एरिया में, आप देखो जगह का नाम है यहाँ पर सुटकागन। वेस्टर्न रेंज अगर लिमिट देखो तो वह है सुटकागन, ठीक है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे लोकेटेड है। और ईस्टर्न साइड देखो तो राखी गढ़ी है हरियाणा में, यहाँ हरियाणा में राखी गढ़ी बना लो। फिर इसके अलावा नॉर्थन एक्सटेंशन देखो तो मंडा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, थोड़ा ऊपर बना लेना, ठीक है। और सदर्न एक्सटेंशन देखो तो वो है दायमाबाद महाराष्ट्र में। इस तरीके से ये पाकिस्तान और इंडिया के बहुत बड़े एरिया में फैली हुई साइट्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। और इंडिया में लोथल, धोलावीरा जो कि दोनों गुजरात में है, और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो एक काम आप कर ही लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आप बेसिक्स रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। आपके पास में जो भी बुक है उससे रिवाइज कर लेना, NCERT है, तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक है, कुछ भी है रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से, मैप अच्छे से देख लेना, है ना। फिर देखो मोहनजोदाड़ो सबसे पहले बनर्जी ने विजिट किया था, फिर उसके बाद में एक्सकेवेशन हुआ 1964 से 1965 के बीच में लगातार। और टाउन प्लानिंग के बारे में फेमस है ही, स्ट्रीट राइट एंगल पे काटती एक दूसरे को, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, इनके लिए मोहनजोदाड़ो फेमस रहा है वैसे ही, ओके। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब 30,000 से 60,000 रेजिडेंट्स इस साइट पर रहते थे। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की, पढ़ लेना थोड़ा सा भाई यूनेस्को के बारे में बेसिक्स, ओके, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को के अंडर लगभग 1100 हेरिटेज साइट्स हैं 167 मेंबर कंट्रीज में। अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से हटा दिया गया है, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर डेवलप्ड सिटी है लिवरपूल, ठीक है, जो इंडिया जैसे कंट्रीज से खरीदा कच्चा माल, फिनिश किया वहाँ पे और लाके इंडिया में बेच दिया, ऐसे बनी हुई सिटी है। तो ऐसे में लिवरपूल का जो मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी है इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया है, ओके। और आप देखो कि इसके पीछे कारण क्या है, कि एक होती है ना कि यूनिवर्सल वैल्यूएबल कोई प्रॉपर्टी हो उसको ही यूनेस्को जो है वो डिक्लेयर करता है कि हाँ वाकई में ये इस चीज़ की तो प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेशन फुलफिल नहीं की थी लिवरपूल ने, तो वो डिलीट हो गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो दिल्ली ढाका के बीच में रिवर पैक्ट साइन हुआ है इंटरिम, ठीक है, वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये 25 साल बाद में कोई वाटर एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, पहले 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अब 25 साल बाद में 2022 में अगर देखें तो ये ट्रीटी साइन हुई है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, रिवर का नाम है कुशियारा। अब ये कुशियारा रिवर कौन सी है एग्जैक्टली मैं बताऊं, अभी हमने मैप देखा था मेघना का,
और मेघना में मैंने बताया था बराकर रिवर आके ज्वाइन करती है, ठीक है, तो मेघना की ही ट्रिब्यूटरी है ये कुशियारा, ओके। और ये कुशियारा रिवर के पास में ही सिलहट लोकेटेड है, जो मैंने लोकेशन बताई थी, सिलहट अच्छे से देख लेना, ओके। तो ये चीज़ आ गई। फिर आ जाओ ये कॉक्स बाजार वाला मुद्दा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हाँ, फिर बात आती है COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड। देखो, COVID-19 के लिए पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन जो है उसको अप्रूवल दिया जा चुका है। इंट्रानेशनल का मतलब नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन, नाक में ड्रॉप डाल दी जाएगी उसकी। वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। ये भी भारत बायोटेक ने ही बनाया है। भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाया था उसी का बनाया हुआ है इनकोवैक, ठीक है। ये इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है, एमरजेंसी यूसेज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल देने वाली एजेंसी का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ठीक है। ये वैक्सीन जो डेवलप हुआ है इसमें भी मेन जो वायरस है दैट इज चिंपेंजी एडेनो वायरस। एडेनो वायरस कौन से होते हैं, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको एडेनो वायरस बोलते हैं, उसको मॉडिफाई करके और फिर ये बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है बॉडी में। साथ में कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है, कोविड का जो क्राउन है, ठीक है, बाहर की तरफ जैसे ये वायरस है इसके बाहर की तरफ जो निकली हुई रहती है ना स्पाइक्स, वो जो है उनको बनाने का काम करता है, जो कि फिर बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, सीधा ये सीधी सी बात है, वैक्सीनेशन इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन, पर वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी उसको रिएक्ट करके इम्यूनिटी तैयार हो जाती है बॉडी में। तो इसमें मेन रिस्पॉन्स कहाँ पर डेवलप होगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन जहाँ से म्यूकस बनता है ना, जिस मेम्ब्रेन से, उस पर इन्फेक्शन होगा, जिससे कि फिर बाद में वहीं पे एंटीबॉडी डेवलप हो जाए और वायरस का इन्फेक्शन। और हम जानते हैं कि मेनली इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, थ्रॉट के आसपास में, गले के आसपास में, नाक के आसपास में होता है, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम एंटीबॉडी डेवलप करवा देंगे तो आगे फिर इन्फेक्शन पहुँचेगा नहीं, और देना भी बड़ा आसान होगा, प्रोडक्शन भी बड़ा आसान है इसका, इनकोवैक का, ओके। नेक्स्ट है, एक स्टडी कराई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि तीसरी क्लास के जितने बच्चों पर स्टडी की गई उनमें 11% ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स नहीं आती, और 37 ऐसे हैं जिनके अंदर लिमिटेड स्किल्स हैं। बेसिकली ये टारगेट ये था कि पता तो पड़े कि कोविड का इम्पैक्ट क्या आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT ने मिलकर के 23 से 26 मार्च के बीच में सर्वे कराया था। सर्वे का नाम देख लो, द फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी। इसमें 1-to-1 इंटरव्यू किए गए थे, मतलब बच्चों से एक एक से पूछा गया था पढ़ाई लिखाई के बारे में। फिर बाद में 4 कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया गया बच्चों को। एक तो मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स में भी कमी आ रही है, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिनको लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड स्किल्स हैं। तीसरी कैटेगरी जिन्होंने सफिशिएंट नॉलेज और स्किल डेवलप कर लिया, और चौथी कैटेगरी जिन्होंने सुपीरियर नॉलेज और स्किल्स गेन कर रखी है। तो ये 4 कैटेगरी में ये वेटेज दिया गया। फिर इसमें पता पड़ा कि न्यूमरेसी में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे फिसड्डी साबित हुआ तमिलनाडु, ठीक है, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में असम, छत्तीसगढ़। नेशनल लेवल की बात करें तो 11% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बेसिक ग्रेड लेवल स्किल्स में जो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब लैग कर रहे हैं, तो 11% है, ओके। और लिमिटेड स्किल्स में 37% है, फिर सफिशिएंट में 42% है, और सुपीरियर स्किल में 10% है। तो ये नेशनल डेटा आ गया हमारे पास में। इसके आगे देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज में किसका क्या डेटा रहा, वो थोड़ा सा लिमिटेड स्किल्स का यहाँ से देख लो, ठीक है, बाकी शेयर कर दूंगा और देख ले, काम काम की चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट आर्टिकल है चीता री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो, लास्ट चीता जो था इंडिया में वो 1947 में मार दिया गया था शूट करके, वो भी क्या एडवेंचर शूटिंग ये करते थे ना राजे महाराजे उनके द्वारा। ऐसे में 1952 में चीता को, एशियाटिक चीता को एक्सटिंक्ट मान लिया गया। अब 2009 से ये बात चल रही है कि अफ्रीका से अफ्रीकन चीताज को ला करके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंडिया में लाया जाएगा। तो अब देखो, इसके लिए फाइनल जो साइट हुई है वो है कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के इस वाले एरिया में लोकेटेड, आप अच्छे से देख लो, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, ग्वालियर, मोरेना, शिवपुरी, ठीक है, इस वाले एरिया में है ये लोकेटेड। अब इसमें देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, एक तो ही हो गया।
एशियाटिक चीता 1947 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, मार दिया था लास्ट में किसने, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया, आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में है ये एरिया, वहाँ पर लास्ट के 3 एशियाटिक चीताज बचे थे उनको शूट कर दिया था, मार दिया था। अब अफ्रीकन चीताज को लाया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के अंडर में, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो कि 2009 से नेगोशिएशन चल रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अब अल्टीमेटली कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और डेट है 17 सितंबर। ठीक है, ये चीताज के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप। तो फाइनली ब्रिटेन